हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट चोको चिप्स कपकेक। तो बहुत ही बढ़िया कपकेक्स बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर मैंने एक छन्नी रखी है। इसमें हमें 2 कप मैदा डालना है। तो ये मैंने पूरे 2 कप मैदा इसमें डाल दिया है। और ये कोको पाउडर, मैं इसमें 2 टेबलस्पून ये कोको पाउडर डाल रही हूँ, पर ये डार्क वाला कोको पाउडर है इसलिए मैंने सिर्फ इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दिया है। और ये 2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, 1/4 TSP मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। तो कोको पाउडर जो है वो आपके पास जो कोको पाउडर है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क वाला है या लाइट वाला है, उस हिसाब से आपको इस कोको पाउडर को डालना पड़ेगा। अगर लाइट वाला हो तो 1/4 कप आपको इसमें कोको पाउडर डालना पड़ेगा। तो बस अभी इस मैदे को मैंने छान लिया है। और छानने के बाद भी हमें इसे अच्छे से मिला देना है ताकि कोको पाउडर, बेकिंग सोडा अच्छे से मिल जाए। तो अभी ये मैंने दूसरा बाउल लिया है, इसमें अभी 1 कप मैंने पाउडर शक्कर डाल दी है और ये 1/2 कप मैंने ये बटर लिया है। तो बटर जो है वो सॉफ्ट वाला बटर लेना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिज में रखा हुआ अगर बटर हो तो उसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख दीजिए और वो सॉफ्ट होने के बाद फिर इस्तेमाल कर लीजिए। और अभी हमें बटर और शक्कर को हमें अच्छे से मिलाना है, मतलब इसे फेंट लेना है और ये पूरी लाइट होने तक इसे हमें फेंट लेना है। देखिए ये क्रीम के जैसे ये शक्कर और बटर हो चुका है, इतना मैंने इसे फेंट लिया है और इसका कलर भी थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो शक्कर और बटर को आपको अच्छे से फेंट लेना है। तो बस अभी इसमें हम एक एक करके अंडा डालने वाले हैं और पूरे मैंने 3 अंडे इस्तेमाल किए हैं। तो बस अभी एक एक अंडा डाल के हम अच्छे से इसे फेंट लेंगे। तो ये दूसरा अंडा भी डालेंगे और इसे भी पहले हम फेंट लेंगे। तो एक साथ आपको 3 अंडे नहीं डालने हैं, एक एक अंडा डाल के हमें इसे फेंट लेना है। उसी से हमारे जो कपकेक्स है वो बहुत ही स्पॉन्जी बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो बस अभी मैंने ये तीसरा अंडा भी इसमें डाल दिया है और इसे भी मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने अभी बना लिया है ये मिक्सचर। तो ये मैंने 1/2 TSP चॉकलेट इसेंस डाला है, या तो चॉकलेट इसेंस ना हो तो वेनिला इसेंस आप इसमें 1/2 TSP डाल सकते हैं। और इसेंस भी आपको आपके पास जो है वो आपको देखते हुए इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें अंडा डाला है तो अंडे का जो केक होता है उसमें थोड़ा इसेंस थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो ये मैंने 1/2 TSP चॉकलेट इसेंस डाला है। और बस अभी थोड़ा थोड़ा सा जो मैदा हमने मिला के रखा था वो हम इसमें डालते हुए इस बैटर को हम बना लेंगे। और एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए आपको इसको इस बैटर को बना लेना है। और इसे हमें ओवर बीट भी नहीं करना है, मतलब इसे बहुत ज़्यादा भी आपको मिलाना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए आप इस बैटर को मिला दोगे तो केक जो होता है वो थोड़ा सा दब जाता है, मतलब वो फूलेगा नहीं अच्छे से। तो बस अभी थोड़ा थोड़ा सा मैंने मैदा डाल के इस बैटर को बना लिया है और थोड़ा सा जो मैदा बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये बैटर जो है वो अभी बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें अभी हमें थोड़ा दूध डालना पड़ेगा। तो ये अभी हमें इसमें थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। या तो अंडे आप इसमें 4 अंडे भी डाल सकते हैं। तो मैंने 3 अंडे इसमें डाले थे।
तो देखिए ये बैटर अभी भी ये थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है, इसमें और थोड़ा सा दूध डालना पड़ेगा। तो इसे भी मैं अच्छे से मिला देती हूँ। और ये कपकेक्स बहुत ही बढ़िया बनते हैं स्वाद में, और ये अभी ठंड का मौसम है तो ये कपकेक्स पूरे हफ्ते भर आप इसको खा सकते हैं, मतलब बाहर रख के ही खा सकते हैं, इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने डार्क कंपाउंड लिया है, इसको थोड़ा सा मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं, डार्क कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो ये अभी मैंने इसमें डाल दिया है, और चॉकलेट आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने ये डार्क वाला कंपाउंड इसमें डाला है, मिल्क कंपाउंड भी होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो बस अभी ये मैंने चॉकलेट मिला के इसको मैंने बना लिया है इस बैटर को, और बस अभी कपकेक्स में हम ये कप में हम इसे भर देते हैं। और ये कपकेक्स केक के जो मोल्ड है वो आपको अलग अलग मिल जाएंगे, आपको जो भी पसंद है उस हिसाब से आप इसको ले के इसको बना सकते हैं। तो बस अभी इस कप को मैंने आधा भर दिया है, बस आधा ही भरना है, इसे पूरा भरना नहीं है, ये फूल के पूरे कप्स भर जाएंगे। तो इसे अभी मैं आधा ही भर लेती हूँ। और थोड़ा सा टैप कर लेंगे इसे, और इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ये चॉकलेट डालना है। ताकि ये ऊपर से भी बहुत ही सुंदर से कपकेक्स दिखे। तो बस अभी इसे ओटीजी में मैं 180 डिग्री पे इसे 25 से 30 मिनट्स लग जाए कि इसे बनने में। तो ये 30 मिनट्स में ये कपकेक्स बनके तैयार हो चुके हैं, और ये ठंडे भी हो चुके हैं। कितने प्यारे और कितने अच्छे दिख रहे हैं ये कपकेक्स, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी कपकेक्स बने हैं, बच्चों को तो बहुत ही ये पसंद आने वाले हैं। तो बस अभी एक मैं इसको आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये कितना प्यारा कपकेक्स बना है, और मैंने इसमें चॉकलेट कंपाउंड डाला है, चोको चिप्स पे आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसे अभी अंदर से भी देख लेते हैं कितना अच्छा बना है। तो देखिए ये कितना अच्छा स्पॉन्जी कपकेक्स बना है, और जो हमने चॉकलेट कंपाउंड डाला था वो पूरे कपकेक्स में है। तो ये दिखने में भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, और खाने में तो बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो ये कपकेक्स बना के देखिए, और मैंने प्लम केक भी, एक ग्लेस प्लम केक का भी रेसिपी मैंने इसमें डाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बढ़िया बनी है।